तो यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पावर बैंक के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से हमारा मोबाइल आसानी से चार्ज हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा सा होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। पावर बैंक के अंदर जो भी सारे कुछ है वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा पावर बैंक की बैटरी लेवल इंडिकेटर है, और ये जो तीन USB पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम डाटा केबल यानी कि चार्जिंग केबल को लगाते हैं तो हमारा मोबाइल चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर ये छोटा सा LED टॉर्च दिया गया है, और इसके ऊपर हमारा चार्जिंग सॉकेट जिसकी मदद से हम ये पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर पावर बैंक को निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेचकस को ले रहा हूँ, और इसकी मदद से मैंने यहाँ पर पावर बैंक को निकाल देता हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने वीडियो को स्पीड कर लिया हूँ। तो अभी देख लीजिए, मैंने यहाँ पर इसको निकाल दिया हूँ, इसकी जो ऊपर की कवर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारा 5 लिथियम आयन बैटरी है और एक पावर बैंक मॉड्यूल है। तो यहाँ पर जो सारा काम होता है, ये हमारा बैटरी और इस मॉड्यूल का काम होता है। ये बैटरी में हमारा चार्ज स्टोरेज होकर रहता है, और ये मॉड्यूल के दौरान हमारा मोबाइल चार्ज हो पाता है। तो यहाँ पर ये सारे स्विच, इंडिकेटर सब कुछ है। तो ये हमारा एक बैटरी 2000 mAh की है, और ये 5 बैटरी 10000 mAh की है, यानी कि ये पावर बैंक हमारा 10000 mAh की है। तो इस प्रकार से ये हमारा पावर बैंक बनाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए मैं रहता हूँ, जय हिंद जय भारत।